जी तो बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जमात हम आर्ट्स ग्रुप की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 5 से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 से तक की जो वीडियोज़ में पेश किए जा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को वो से देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें वैल्यूज हैं, फार्मूलाज इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इवन दो दो फार्मूलाज इन्वॉल्व हैं, पूरी एक्सरसाइज बल्कि फार्मूलाज पे सप्लाई पे बेस है। तो 2x + 3y³ गिवन है, यहाँ पे ये फार्मूला बहुत से लिखे तो ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला इन्वॉल्व है, जो कि एक्सटेंशन होता है ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। और वैल्यूज को इस फार्मूले पर एडजस्ट कीजिए, 2x को आप ए के इक्विवेलेंट कंसीडर कर दें बराबर, और 3y को बी के बराबर समझ दें, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो फार्मूला तरतीब से कोट करते जाएँ, पहले क्या रिक्वायर करता है कि ए का क्यूब पहले वाली टर्म 2x का क्यूब, 3 फार्मूले का ए का स्क्वेयर पहले वाली टर्म का स्क्वेयर, यहाँ पे 2x है गिवन क्वेश्चन में उसका स्क्वेयर, और बी का खाली, तो बी एज इट इज़ ये एक सेक्शन बन जाता है इसी तरह से किया फार्मूला में, और ए है पहले टर्म और बी का स्क्वेयर है दूसरे टर्म का स्क्वेयर 3y का स्क्वेयर, और बी का क्यूब दूसरे टर्म का क्यूब, तो यहाँ पे 3y है 3y का क्यूब, टू एक्स का क्यूब है। इसका मतलब इस मतलब होता है ये चीज़ इतने टाइम मल्टीप्लाई आपस में की गई है, 2x 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x 3 टाइम ले लिया, तो 2 × 4 = 8, और एक्स की पावर एक्सपोनेंट ना लिखा तो 1 होता है, 3 टाइम ऐड होके 3 हासिल होगा 8x 3। यहाँ पे देखें तो 2x 2 टाइम होके 2 × 4 और x² और बाकी वैल्यूज एज इट इज़, ये एक पार्ट इसको मार कर लें आसानी होगी। इसी तरह से 3 है 2x है 3y का स्क्वेयर, 9 और y² इसी तरह से 3y³ है, इसका मतलब है 3 टाइम मल्टीप्लाई 9 × 9 = 27 और y की 3। अब इसे हम कंप्यूट करते हैं 8x³ एज इट इज, नीचे ये मुझे सिंप्लीफाई हो सकता है 3 × 4 = 12 = 36 एक्स की 2 और y एज इट इज, इसी तरह से ये कंप्यूट कीजिए 3 × 2 = 6 6 × 9 = 54 x² और ये बढ़िया सम y² एज इट इज आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 पर प्रोसीड करते हैं, इसमें एक और फॉर्मूला इन्वॉल्व है x, और उससे जो क्वेश्चन है भी लेंथी है क्योंकि पहले टर्म में दो चीज़ें दी गई हैं x + y³ कंसिडर कर लेते हैं a³ - b³, तो ओवरऑल ये फार्मूला एक्सपेंड होता है a³ = a - b² + ab + b², इसके मुताबिक वैल्यू स्कूट कीजिए आसानी रहेगी। फार्मूला में पहले a है तो a में आपका x + y, इसी तरह से b है 1 a² + b² x + y² याद रखें ये बताते खुद एक फार्मूला है a + b² का, और इस फार्मूला में ए भी है ए पहले वाली टर्म x + y, बी है दूसरे टर्म 1 और b² है 1 का स्क्वेयर, तो ये वाली एज इट इज आएंगे, इसमें कोई फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे a + b² का फार्मूला खुलेगा, फार्मूला आप जैसे लिखा गया था ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे इस तरह लिखना पहले बेहतर है, ये बेस्ट है, ये वाला तरीका कोट है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से, याद रखें चीज़ें मल्टीप्लाई होकर हमेशा सेम रहती हैं, कोई चीज़ कॉड इज 1 ये सेट है ठीक याद रखें, तो 1 आएगा x और 1 वाई था y सेम, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ये फार्मूला इस सिस्टम अप्लाई होता है, आप ये रफ्त में सेपरेट साइड पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकें एक वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 11 पे प्रोसीड करते हैं, इसमें x²³ + 64 है, अगर गौर से देखें तो 64 टर्म आप इसको ले सकते हैं, वैसे करंट कैलकुलेशन बेसिकली 2 से होती है, बहरहाल आपकी सहूलत के लिए नसेस की वर आप 4 से देख लीजिए, 4 टर्म से हासिल होता है, लेकिन कि ये x·y³ और इसको 4³ आप लिख सकते हैं, इसको एक कंसिडर कीजिए दोनों को मिलाकर और इसको भी, तो सॉल्व में आसानी रहेगी। और फॉर्मूला कंप्यूटर से अप्लाई कीजिए a³ + b³, तो ए सबसे पहले फार्मूला में तो ए आपका x± y है और बी 4 है आपका a² x − y² ये सब एक फार्मूला है सेपरेट, a पहली वाली टर्म x − y, b दूसरी टर्म 4, यहाँ से आप देख सकते हैं, और b² है 4 का स्क्वेयर, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, यहाँ पे x − y का फार्मूला एक्सपेंड होता है, आप इसको
कोड से दस तरीके में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आएगा, इस तरह से यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ माइनस इन्वॉल्व है, फोर माइनस फोर और एक्स तो माइनस फोर एक्स आपको पसंद होगा, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस वाई और फोर प्लस फोर वाई, ये ग्रीन अंडरलाइन पार्ट आपको ये ग्रीन अंडरलाइन पॉइंट देता है। याद रखिए माइनस जब ही पाइरो ब्रैकेट के साइन को चेंज करता है, एक्स प्लस में था माइनस में आ गया ये पार्ट और वाई माइनस में था तो प्लस में चला गया, फोर का स्क्वायर है इस वो तो फोर टू टाइम और फोर था सिक्सटीन। इस समय सेपरेटली फॉर्मूला इन्वॉल्व था, ये वाला एक माइनस भी ऑप्शन था, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखना हो तो बेस्ट है, इस तरह से जरा गुड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे प्रोसीड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस सेवन वाई क्यूब, इसको आप एक्स का क्यूब पीछे जाएँ तो हासिल होता है, इसी पीछे आए थ्री टाइम तो ट्वेंटी सेवन थ्री हासिल होता है, आप इसको यूं करके भी देख सकते हैं, एज फोर टू एज टू और ट्वेंटी सेवन, इसी तरह से इसको ब्रेकअप करें तो थ्री नाइन तक काफ़ी हेल्पफुल रहती है सवाल में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इन्वॉल्व है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए प्लस बी ये वाली टर्म है आपकी और ये प्लस बी दूसरी वाली टर्म, इसी तरह से ए स्क्वायर है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जो बताते खुद ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और माइनस ए बी ए वाली टर्म एक्स माइनस वाई और बी वाली टर्म और प्लस बी का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखिए और इसको ये फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ आप पसंद होगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे त्याग के साथ आप फोर को अगर यहाँ कंसिडर कर दें तो माइनस फोर एक्स ये असल होगा और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस फोर वाई और फोर का स्क्वायर है फोर फोर था सिक्सटीन टू टाइम मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से आंसर हासिल हुआ। इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग फार्मूलाज इन्वॉल्व हैं, ये चार फार्मूलाज हैं बेसिकली जिनके छः डिफरेंट शेड्स हैं, तो इसको आप अगर समझ में रखें तो आपको ये सवाल निपटने में आसानी होगी, वरना ये आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे। पहला ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई दूसरा शेड नहीं है, दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यूब है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिए प्लस के फार्मूला में टेक्निक यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है, माइनस के फार्मूला में यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है, या यहाँ पे असल मसला दरपेश आता है फार्मूलाज में, क्योंकि इनके दो डिफरेंट शेड्स इन्वॉल्व हैं जिससे स्टूडेंट पूरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए थ्री प्लस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब है, इसको अगर आप इस तरह तरकीब दे लें ए क्यू प्लस बी क्यूब इसको अलग कर लें और इस पार्ट में थ्री ए बी कॉमन ले लें तो ए प्लस के अंदर हासिल होता है, इस तरह से ये फार्मूला है ए माइनस बी, ये दोनों क्या रखते हैं यूज़ होते हैं फार्मूला इन दोनों हालत में, ये समझाने के लिए है ये यूज़ नहीं होता प्रैक्टिकली दोनों, और ये ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है, ए माइनस में हमेशा की तरह याद रखें कोई ना कोई चैलेंज दरपेश रहेगा, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है और माइनस थ्री क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको अगर ऐसा तरकीब दे लें ये पार्ट एंड में यहाँ पे थ्री ए बी कॉमन ड्रॉ कर लें तो अंदर ए माइनस बी बाकी बचेगा, इस तरह अगर आप मदद लें तो ये ज़बरदस्त शानदार जाना फॉर्मूला से आपको सवाल तक मदद मिलेगी। हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियोस की मालूमात मिलती रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।